आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, मनुष्य में पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। टॉपिक क्या है? मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो देखिए, मनुष्य में भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन होना, पाचन के बाद स्वांगीकरण, शरीर के सभी भागों में सर्कुलेट होना, कोशिका तक जाना, कोशिका में ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी का रिलीज होना, और उसके बाद हम लोग जो भी कार्य करते हैं सभी को क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। तो कैसे होता है? तो देखिए, पोषण के लिए सबसे पहला टर्म आता है आपका पाचन तंत्र, या कह लें सबसे पहले हम बात कर लें आहार नाल का। आहार नाल क्या होता है? आहार नाल क्या होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सिंपल है, आहार नाल यानी कि नली। देखिए हम बुक से एकदम हटके हैं, ठीक है, यानी कि आपको जितने भी चीज़ें हम बता रहे हैं वह सारा अपना लैंग्वेज में बता रहे हैं, और एग्जाम में पूछा जाता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, तो इसको आप कॉपी पर एज इट इज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सही होगा आपका। आहार नाल किसे कहेंगे? तो हमारे शरीर में भोजन को ले जाने वाली नली को ही क्या कहेंगे? आहार नाल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है आपका पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र थोड़ा सा डिफरेंट है। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र में आपका आहार नाल भी आएगा, ठीक है, क्या आएगा? आहार नाल भी आएगा और पाचक ग्रंथि भी आएगा। क्या आएगा? पाचक ग्रंथि भी आएगा और पाचन क्रिया भी आएगा। ये तीनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। ओके, याद रहेगा। चलिए किस तरीके से याद रखेंगे बात करते हैं। आहार नल क्या है? आहार को ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं? आहार नल कहते हैं, जो जनरली मुख गुहा से कहाँ तक फैला होता है? मुख गुहा से मल द्वार तक फैला होता है, यानी कि माउथ टू एनस, मल द्वार तक फैला होता है। इसकी टोटल लंबाई की बात कर लें तो होता है कितना? 8 से 10 मीटर। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आहार नाल की जो लंबाई है वह कितनी हो गई आपका? 8 से 10 मीटर हो गया, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक? मुख गुहा से मल द्वार तक फैला होता है। ओके, अब बात कर ले हम लोग पाचन तंत्र का। तो पाचन तंत्र क्या है? आहार नाल, पाचक ग्रंथि तथा पाचन क्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आहार नाल के अन्य अंगों की बात करें, ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आहार नाल का एक पिक बनाते हैं और उस डायग्राम के सहायता से हम लोग आसानी से समझेंगे। तो चलिए गौर से देखिएगा किस तरीके से हम पिक बनाते हैं ताकि आपको आसानी हो पिक बनाने में। चलिए सबसे पहले हम लोग सर वाला यह पॉइंट बनाएंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे।
देखिए कुछ इस तरीके से आप आहार नल का पिक बना सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है देखने में सही ना लगे, लेकिन चलिए बात करते हैं आगे। देखिए ये टोटल आपका आहार नल का एक पिक है। ये आपका, ये जो आपका एरिया है, ये माउथ का एरिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा, जो आहार नल का सबसे पहला भाग है। कौन सा है? आहार नल का पहला भाग मुख गुहा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको लीवर बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यकृत। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? अमाशय। ओके, क्या हो जाएगा? अमाशय। इसकी बात कर लें, बढ़िया, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या हो जाएगा? छोटी आंत। और ये वाले पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, तो जनरली हम शॉर्टकट में बात करेंगे, जनरली जो हम लोगों को जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, यहां पर एक और संरचना होता है, याद रखिएगा। यहां पर एक संरचना होता है पित्त ग्रंथि का, पित्ताशय जिसको बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पर कुछ इस टाइप का होता है आपका क्या? अग्न्याशय। क्या होता है? अग्न्याशय होता है। ठीक है, तो ये आपका है मानव शरीर के पाचन तंत्र का एक पिक। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या क्या इसमें इंपोर्टेंट है। आहार नाल का सबसे पहला बात करें तो आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है? मुख गुहा। ठीक है, माउथ। तो मुख गुहा की बात करें तो ये आहार नाल का सबसे पहला भाग है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि आहार नाल का सबसे पहला भाग किसे कहा जाता है? मुख गुहा को कहा जाता है। मुख गुहा में क्या क्या चीज पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मुख गुहा में दो चीज पाया जाता है। एक तो आपका जीभ होगा और एक क्या होगा? दांत होगा। क्या होगा? एक जीभ और एक दांत। जीभ के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी कलियां पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वाद कलियां। क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां। और इन्हीं स्वाद कलियां के वजह से क्या होता है? हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का आभास होता है, जो भी मीठा खट्टा कड़वा जो होता है उसके बारे में पता चलता है। और स्वाद कलियां बहुत सारे होते हैं हमारे जीभ के ऊपर, लेकिन कितने प्रकार के? टोटल 5 ही प्रकार के होते हैं। अब अगला बात कर ले दांत के बारे में, तो दांत होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, एक हो गया आपका कर्तनक, दूसरा भेदक, तीसरा चवर्णक और अग्र चवर्णक। ठीक है, ये चारों याद रखिएगा। पहला क्या हो जाएगा? कर्तनक। दूसरा क्या? भेदक। तीसरा चवर्णक और चौथा अग्र चवर्णक। तो ये 4 टाइप के दांत होते हैं हमारे मुख गुहा में। ठीक है, हमारा जो आगे का जो तो 4 दांत होता है, इसको बोलते हैं चवर्णक। इस 4 दांत के बाद एक दांत दोनों साइड में, एक इधर, एक ऊपर, है ना? यानी कि कह लें 4 टोटल दांत, यानी कि ये 4 दांत जो होता है बीच वाला उसको कर्तनक, और 4 के बाद जो दोनों साइड 5वां दांत है उस दांत को बोलते हैं भेदक, जिसके सहायता से हम लोग ईख वगैरह चीरते हैं उसको क्या बोलते हैं? भेदक बोलते हैं। उसके बाद आता है चवर्णक, और उसके बाद अग्र चवर्णक, जिससे हम लोग भोजन को पीसते हैं। तो कभी कभार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भोजन जो रोटी होता है उसको काटते किस दांत से हैं? तो याद रखें कर्तनक से काटते हैं। ठीक है, मांस को किस दांत से फाड़ते हैं? भेदक से फाड़ते हैं। और चवर्णक और अग्र चवर्णक के द्वारा क्या क्या आता है? भोजन को पीसने का काम किया जाता है। अब कुछ और पॉइंट है, याद रखिएगा, दांत की अगर हम बात करें तो कुछ और पॉइंट है कि मानव शरीर में जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसके मुख गुहा में कितने दांत होते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल अगर हम बात करें तो दूध का दांत जो होता है, दूध का दांत, उसकी संख्या होती है 20। ठीक है, और ये 20 दांत एक बार गिरते हैं और फिर दोबारा जन्म लेते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना दांत दोबारा जन्म लेता है? 20 दांत दोबारा जन्म लेता है। वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या कितनी होती है? टोटल 32, याद रखिएगा। और हमारे शरीर का सबसे मजबूत तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो दांत का जो ऊपरी परत होता है वो आपका बना होता है इनामेल का ही, और ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत तत्व है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए, जब हम लोग भोजन को मुख गुहा में रखते हैं, ठीक है, तो मुख गुहा में दांत होता है जो भोजन को पीसने का काम करता है, भोजन को टुकड़ों में डिवाइड करेगा, ठीक है। और जब पीसते हैं तो गौर किए होइएगा कि हमारे मुख से लार निकलता है। तो वो लार कहाँ से निकलता है? तो ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि कहते हैं। और ये जो लार ग्रंथि होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के लार ग्रंथि होते हैं। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, एक हो जाएगा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि और नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? पैरोटिड लार ग्रंथि। ठीक है, ये पैरोटिड लार ग्रंथि। तो ये तीन प्रकार के लार ग्रंथि होते हैं जिससे क्या होता है, लार स्रावित होता है और हमारे मुख गुहा में जितने भी भोजन आते हैं उसको पचाने में मदद करता है। तो इससे स्रावित क्या होता है? तो लार ग्रंथि से जो स्रावित होता है लार, उसमें होता है इंजाइम। कौन सा? टाइलिन नामक इंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए, मुख गुहा में भोजन रखा, चबाया, दांत के माध्यम से चबाया, ठीक है, पीसा और लार ग्रंथि से लार निकला टाइलिन, जो कि क्या क्या चबाने में मदद किया और उसके बाद भोजन को निकला। तो ये कहाँ आएगा? ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, इस इतने वाले पार्ट को बोलते हैं ग्रस्थि, जहाँ पर निगल द्वार और कंठ द्वार दोनों होता है। ये कंठ द्वार और ये निगल द्वार दोनों होता है। यहाँ पर एक पट्टी पाई जाती है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, और ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? कंठ द्वार को ढक देता है ताकि भोजन के कण कंठ द्वार में ना जाए। अब हम जब भोजन को ग्रहण करेंगे तो मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में आएगा, ग्रसनी से आएगा ग्रास नली में। ये वाला जरिया देख रहे हैं ग्रास नली का होता है। जब भोजन निगलते हैं हम लोग तो इसमें क्या होता है, ग्रास नली के दीवार में तरंग के तरह संकुचन और शीथलन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन बोलते हैं। ग्रास नली से भोजन आएगा आपका अमाशय में। कहाँ आएगा? अमाशय में। और अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। कितना? 4 घंटे तक रहता है। अमाशय की जो आंतरिक कोशिका होती है वह जगह जगह अंदर की ओर धसी होती है, और ये बना किसका होता है? अमाशय का जो आंतरिक दीवार होता है वह स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक का बना होता है, जो जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है। और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जठर ग्रंथि के, जो कि तीन प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें एक कोशिका है अम्लजन कोशिका। कौन सा? अम्लजन कोशिका, जिससे स्रावित होता है क्या? एसिड। क्या स्रावित होता है? एसिड। कौन सा एसिड? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है और भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे अमाशय से जो HCl स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है। तो हमारे अमाशय से स्रावित होने वाला HCl अम्ल भोजन को पचाने में मदद करता है तथा भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट करता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब उसके बाद भोजन के कारण अमाशय से कहाँ आएगा? छोटी आंत में आएगा। कहाँ आएगा? छोटी आंत में। और छोटी आंत हमारे आहार नल का सबसे लंबा भाग है, जो लगभग 8 मीटर का होता है। और ये छोटी आंत की लंबाई जो होती है भोजन के प्रकार पर डिपेंड करता है। अगर जीव शाकाहारी है तो उसमें छोटी आंत की लंबाई बड़ी होगी मांसाहारी की अपेक्षा। क्यों? इसका कारण यह है कि शाकाहारी जीव साग सब्जी को खाते हैं जिसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, और सेल्यूलोज का पाचन आसानी से नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या होता है, उसको पचाने के लिए क्या होता है, ये जो छोटी आंत की लंबाई होती है वह बड़ी होती है उसमें। ठीक है, तो छोटी आंत की लंबाई भोजन के प्रकार पर डिपेंड करता है, लेकिन मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 8 मीटर के करीब होती है। क्या कह लें? सॉरी, 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। ओके, याद रहेगा। तो क्या हुआ, मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में आया, जहाँ पर एपिग्लॉटिस पाया जाता था जो भोजन को कंठ द्वार में आने से रोका। फिर ये भोजन के कण ग्रास नली में आया, जहाँ पर तरंग के तरह संकुचन और शीथलन हुआ, जिसे हम क्या कहें? कर्माकुंचन। उसके बाद भोजन अमाशय में आया, जहाँ भोजन लगभग 4 घंटे तक रहा और विभिन्न प्रकार के एसिड के माध्यम से क्या हुआ, भोजन पचा। और उसके बाद कहाँ आया? छोटी आंत में। छोटी आंत में आया तो छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है, जिसके जो कितना होता है? 6 मीटर का होता है। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सा? छोटी आंत का 3 भाग। छोटी आंत का कौन कौन सा भाग होता है? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। क्या होता है? ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा हो जाएगा आपका इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं। ये जो इलियम है आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है, सॉरी, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है इलियम। और जब भोजन के कण छोटी आंत में आता है तो यहाँ पर अग्नाशय रस
जो भी अग्नाशयी रस होते हैं ट्रिप्सिन इमाइलेज लाइपेज वगैरह वो स्रावित होता है, और यकृत से जो पित्त यकृत से जो पित्त स्रावित होता है, और पित्त याद रखिएगा पित्त कहाँ स्रावित होता है, यकृत से, और कहाँ संचित रहता है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पित्ताशय उसमें आकर के संचित रहता है, और यहाँ से क्या होता है फिर यहाँ आता है कहाँ छोटी आंत में, जहाँ पर इन सभी पाचक रसों के मिलने से क्या होता है भोजन के कारण पचते हैं, और यहीं पर छोटी आंत में ही भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और जो अपचा भोजन बचा हुआ रेक्टम में संचित हो जाता है, और अपचा हुआ भोजन ब्लड के माध्यम से शरीर के सभी भागों में ट्रांसमिट कर दिया जाता है, परिवहन हो जाता है उसका, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं यकृत के बारे में। तो यकृत क्या है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, याद रखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, यकृत। और जब सबसे छोटा पूछेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। यकृत के भार की अगर बात करें तो लगभग 1.5 kg के करीब होता है, यानी कि 1.5 kg, और यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, याद रखिएगा। यकृत से एक रस स्रावित होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पित्त रस। क्या बोलते हैं? पित्त रस। इसका कभी कभार पीएच मान भी पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा पित्त जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.7 होता है। क्योंकि जब इसका पीएच वैल्यू 7.7 हुआ, इसका मतलब है कि यह किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पित्त रस का नेचर क्या होता है, तो याद रखिएगा पित्त रस का नेचर होता है क्षारीय प्रकृति का। इसका पीएच वैल्यू कितना हो गया, 7.7 हो गया, ओके। अब देखिए यकृत से जब पित्त रस स्रावित होता है तो संचित कहाँ रहेगा, तो एक और ग्रंथि पाया जाता है पित्ताशय, इसमें यह क्या होता है संचित होता है। यह जो मैंने लीवर के जस्ट नीचे में यह जो स्ट्रक्चर बनाया है पित्ताशय का, यहाँ से निकलेगा और इसमें आकर के क्या रहेगा, संचित रहेगा, ठीक है। तो पित्त रस कहाँ संचित रहता है, पित्ताशय में संचित रहता है। क्वेश्चन पूछता है कि पित्त रस का काम क्या है, तो देखिए पित्त रस का जनरली दो काम होता है। एक तो जब भोजन अमाशय में आता है तो वहाँ पर इसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो अमाशय में जो अम्लीय भोजन होता है उसकी अम्लीयता को क्या करता है, अम्लीयता को नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। पित्त रस का काम क्या है, सबसे पहला काम कि भोजन के जो कण हैं उसकी अम्लीयता को क्या करेगा, नष्ट करेगा। और उसमें जो वसा होता है, दूसरा काम क्या, भोजन में जो वसा होता है उसको क्या करेगा, इमल्सीकृत करेगा, यानी कि तोड़ने का काम करेगा और पचाने का काम करेगा। तो ये दो काम होते हैं पित्त रस का, ओके। लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का, जो है आपका अग्न्याशय। क्या है, अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है कहाँ, अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे हुए रहता है। ग्रहणी कौन, ये ग्रहणी जो कि छोटी आंत का सबसे पहला भाग है। तो अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे हुए ये जो ग्रंथि है पीले कलर का होता है, और इसी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्न्याशय बोलते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के पाचक रस स्रावित होते हैं। और कौन कौन सा, जैसा कि इमाइलेज, ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इमाइलेज, या कह लें लाइपेज, ठीक है, लाइपेज, या कह लें ट्रिप्सिन, यह सब क्या है, अग्नाशयी रस है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स बनते हैं इस चैप्टर से। तो उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार लास्ट टाइम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जब भोजन के कण हमारे मुख गुहा में आता है, ठीक है, ऐसे समझिए, जब भोजन के कण हमारे मुख गुहा में आता है तो हम चबाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि दांत के माध्यम से भोजन के कणों को पीसते हैं, और लार ग्रंथि से लार निकलता है जो कि भोजन को चबाने में मदद करता है। अब लार से सना हुआ भोजन जो है मुख गुहा से कहाँ जाएगा, ग्रसनी में। ग्रसनी में दो छिद्र, कौन कौन सा, एक निगल द्वार और एक कंठ द्वार, ठीक है, कौन कौन सा, निगल द्वार और कंठ द्वार। जब भोजन के कण ग्रसनी में आता है तो यहाँ पर कंठ द्वार के पास एक पट्टी पाई जाती है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, और भोजन इस कंठ द्वार में नहीं जा पाता है इस एपिग्लॉटिस के कारण। तो क्वेश्चन पूछेगा भोजन को कंठ द्वार में आने से कौन रोकता है, तो एपिग्लॉटिस रोकता है। अब ये भोजन के कण ग्रसनी में आएगा, ग्रसनी में आया उसके बाद ग्रासनली में जाएगा, ग्रासनली में तरंग के तरह संकुचन और शीतलन होता है जिसको ग्रमाकुंचन बोलते हैं। फिर भोजन अमाशय में आएगा, अमाशय में भोजन 4 घंटों तक रहता है, और अमाशय में ही जठर ग्रंथि पाया जाता है जिसमें कि जठर रस का निर्माण होता है। और ये जो जठर रस में मेनली हम बात कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो क्या करता है भोजन को पचाता है, और भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट करता है, या कह लें प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। उसके बाद ये भोजन एक छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, और सबसे बड़ा भाग इलियम होता है। जब भोजन पच जाता है तो इलियम के विलाय के द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है, और जो अपचा भोजन बचता है वह रेक्टम में संचित रहता है और समय समय पर शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब जब इतनी क्रियाएँ होती हैं तो इतनी क्रिया से ही हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बनता है, इसके बाद
और भी क्रियाएं होती हैं, इतना यानी भोजन पच गया और सिर्फ एनर्जी मिल गया, ऐसा अगर हम लोग सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। भोजन के पचने से एनर्जी नहीं मिलता है, उसके बाद और भी क्रियाएं होती हैं, वो सारा हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो अगला चैप्टर आपका रिस्पायरेशन, उसमें सारा चीज़ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो के जस्ट नीचे रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जितने भी आपके 10वीं के स्टूडेंट्स होंगे आपके आसपास, उन सभी के पास इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि अभी क्या है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सारा इंस्टीट्यूट बंद है और किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो इस माध्यम से वो अपना जितने भी टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड का वो अपना क्लियर कर सकते हैं। अगर व्यूज़ ज़्यादा आता है इस वीडियो पर तो हम और भी सब्जेक्ट को आगे आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। धन्यवाद।